Dear students, how are you? I hope that you will fit and fine. Today we will learn some important definition which is related to periodic motion. In the last class we have already completed about periodic motion, their examples, and oscillation motion, their examples, and difference between them. So periodic motion or oscillating motion, both are repeated motion. So some important definition of periodic motion. Periodic motion. तो first definition है हमारे पास time period. Time period. What is the time period? So it is the least interval of time after which a body completes a cycle. Suppose that एक body है oscillating या oscillation कर रही है या periodic motion कर रही है, तो उसका ये इस तरह से ये जीरो है, यहां डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने और अलोंग द एक्स एक्सिस के क्या लिया है, टाइम लिया है. वन साइकिल यहां से स्टार्ट होता है, वन साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम है वो कितना लगता है, वो टी लगता है, टी. तो हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा टी बाई टू. ठीक है, अगर यहां बात करें तो यहां जो टाइम लगेगा वो लगेगा टी बाई फोर, यहां टाइम की बात करें तो थ्री टी बाई फोर. ठीक है, और यहां जो टाइम है वो लगेगा टी. तो टाइम पीरियड क्या है, इट इज डिफाइंड एज, लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, या इस तरह से लिख सकते हैं इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज इस तरह से कर देते हैं, इट इज लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच इन periodic motion why body complete itself. और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई ऑसिलेशन या कोई वाइब्रेशन या कोई साइकिल करने वाली बॉडी है उसकी वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. इसे हम टाइम टी से डिनोट करते हैं. व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम होगा सेकेंड. ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी. क्या है फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन ओवर टी. फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं,
डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कंप्लीट इन वन सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय न्यू. द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज न्यू इक्वल वन ओवर टी. एंड वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, और वन सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशन होते हैं वो होंगे उसके, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं. तो यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और वन हर्ट्ज इक्विवेलेंट कह सकते हैं वन हर्ट्ज वन अपॉन सेकेंड और सेकेंड पर. ओके, तो ये यूनिट हो गया हर्ट्ज, और इसे हम कह सकते हैं वन साइकिल पर सेकेंड, वन साइकिल पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, और टी है टाइम पीरियड. ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द पीरियडिक मोशन, नंबर ऑफ द पीरियडिक मोशन बाय बॉडी इन वन सेकेंड. ठीक है, इफ अ बॉडी complete cycle, if a body number of complete cycle oscillation in 1 second, in 1 second में जितने भी oscillation कोई body करती है वो उसकी frequency होगी. frequency को denote करते हैं हम new shape. okay,